ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज है थर्ड टाइप के क्वेश्चन। हमारी सीरीज चल रही है, क्रैश कोर्स चल रहा है यूपीएससी सीसेट प्रीलिम्स का। नाउ अभी तक हम दो टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं और उससे अप्रॉक्स अगर मैं मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग के क्वेश्चन पे बेस्ड जाऊं तो 15 से लेके 18 क्वेश्चन तक 18 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं। ठीक है, इतने मार्क्स तक हम ला सकते हैं। हमारी अप्रोच पूरी यही रहती है कि आपको कितने मार्क्स कवर करवाने हैं, 66 प्लस मार्क्स। ठीक है, जनरली इस पर हम ज़्यादा भी एक्स्ट्रा हम इंफॉर्मेशन देंगे आपको कॉम्प्रिहेंसिव रीजनिंग में, जिस बच्चे का जो पार्ट सही रहता है वो उस बेसिस पर करता है। बट यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन के टाइप नहीं करवाते बल्कि ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और उस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है, तो हम ज़्यादा फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट और एक स्ट्रेटजी भी हम बनाते हैं जिसके बेसिस पे हम 66 प्लस मार्क्स को इजीली क्रॉस कर पाएं। नाउ इससे पहले की जो वीडियो थी उस पर हमने इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आते हैं, 2019 हो, 2020 हो, 2018 हो, कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स बैच 2022 499 रुपीज़ में पूरा बैच आपको मिलेगा, एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, एक्सट्रैक्टेड नोट्स प्लस वीडियोस, सभी सब्जेक्ट, 13 मंथ का करंट अफेयर, मंथ वाइज प्लस वीडियोस मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आप गूगल पे फोन पे कर सकते हैं, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। राइट, पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बैच में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर सभी पीडीएफ आपको लाइन वाइज मिल जाएगी, लिंक आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, ये अनलिस्टेड लिंक हैं। तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएंगे, चाहे हिस्ट्री है, जो भी प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही होगी जो कि होने वाला है 5 जून को। आगे जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, वही सिमिलर पीडीएफ और वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे दिए जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट एड्यूपसा से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है, 5 टाइप के स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी बता चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। नाउ आज का जो होने वाला है वो है हैबिचुअल, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम कर तो पाते हैं बट सडन से हमारे पास आ जाते हैं तब हमें कंफ्यूजन होता है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को या तो हमें हैबिचुअल होना पड़ेगा, यानी कि ऐसे क्वेश्चन हमें लगातार करने पड़ेंगे। दूसरा, एक बार इसे हम जान जाते हैं, वन टाइम नोन वाले क्वेश्चन है, एक बार हमें पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है तो हम इसे इजीली कर पाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस या नोन क्वेश्चन होने चाहिए। ओके, नाउ आगे बढ़ने से पहले आप पूरा यूपीएससी सीसेट का पूरी कंप्लीट वीडियो कोर्स ले सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में सबसे अफोर्डेबल प्राइस है, सिर्फ 499 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा इंस्टामोजो का लिंक, डायरेक्टली आप उससे परचेज कर सकते हैं और आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा परचेज करने के बाद, जहां पर सभी मटेरियल प्लस पीडीएफ आप एक साथ एक्सेस कर पाएंगे। इसमें रीजनिंग होगी, कॉम्प्रिहेंसिव होगी, मैथ्स होगी, तो कंप्लीट पीडीएफ यानी कि सी सेट की प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज प्लस सभी वीडियोज बनाई गई मेरे द्वारा आपको मिलेगी। कैसे, दूसरे मेथड से आप लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर, जो सबसे ज़्यादा इजी मेथड है, गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं इस नंबर पर। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर हमें व्हाट्सएप करनी है या टेलीग्राम करना है, सेम नंबर है, सेम नंबर में आप कॉल भी कर सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए और सब मटेरियल आपको मिल जाएगा। नाउ बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इसके लिए कोई अलग सा वो नहीं है। देखो यूपीएससी आपका चेक क्या करता है कि आपको ना एसएससी क्रैक करना है ना, एसएससी क्रैक तो नहीं करना आपको, उस बेसिस पर रीजनिंग या बैंक की रीजनिंग आपको नहीं चाहिए या बैंक का एप्टीट्यूड नहीं चाहिए। यहाँ पर सिर्फ आपको कॉमन सेंस लगाना है। ओके, नाउ देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये एक बार करके नहीं आते हैं, ठीक है जनरली, और फर्स्ट टाइम करके तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 5 और इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैंने ये बोला हैबिट बनाने की पड़ेगी, इसके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, हैबिचुअल होना पड़ेगा बस। ठीक है, लगातार इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे तो आंसर इजीली जो 2021 में या 2022 में क्वेश्चन आएंगे तो हम इजीली उसको कर जाएंगे।
नाउ क्वेश्चन क्या है, और इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए एक एक करके पढ़िए। ए फाइव स्टोरी बिल्डिंग विथ फ्लोर्स फ्रॉम 1 to 5, ठीक है, सब लोग कर सकते हैं इसको, मैं ही नहीं, ठीक है। अब देखो, एक एक करके पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, एक एक लाइन पढ़ो। फाइव स्टोरी बिल्डिंग फ्लोर 1 to 5 है, ठीक है, पेंटेड यूजिंग 4 डिफरेंट कलर्स एंड ओनली 1 कलर इज यूज टू पेंट ए फ्लोर। अब देखिए, 5 स्टोरी बिल्डिंग है तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ बिल्डिंग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर और फाइव, 4 कलर यूज किए हुए हैं, 4 कलर यहाँ पर यूज किए हुए हैं, ठीक है। अब कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, द मिडिल 3 फ्लोर्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स, ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज दिया है। मिडिल के ये बीच वाले फ्लोर हैं, इनमें अलग अलग कलर है, अलग अलग कलर है, मान के चलो ये है येल्लो, ये है ग्रीन और ये है ब्लैक, ठीक हो गया। बस जो जो कह रहे हैं स्टेटमेंट वही तो हम कर रहे हैं ना, अलग सा कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो सेकंड में क्या है, द सेकंड एंड फोर्थ आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सेकंड वाला और फोर्थ वाला अलग अलग डिफरेंट कलर्स में पेंट है येल्लो और ब्लैक है, ठीक है। द फर्स्ट एंड फिफ्थ आर पेंटेड रेड, ठीक है, जो फर्स्ट वाला है वो रेड है और ये वाला भी रेड है। देखो अब टोटल 4 कलर भी हो गए, सब में अलग अलग कलर भी हो गए। अब बस ये तो था हमारा कंक्लूजन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो ये स्टेटमेंट है इन सबको पढ़ लो और इसके बेसिस पे एक स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन करोगे, क्या करोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो इसमें डायरेक्टली आपके माइंड में क्या होगा, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, मुझे क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है बस, ठीक है। और यकीन मानो 2.5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। जो कॉम्प्रिहेंसिव में अपने पकड़ मानते हैं तो वो रीजनिंग के कुछ तो क्वेश्चन करो, 66 इजीली क्रॉस हो जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं आपको। ओके, नाउ मैंने यहां बोला कि स्ट्रक्चर याद करो इसमें, ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर 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 आपको याद करना है और इस बेसिस पे पहला ये पूरा पढ़ लेना है। जहां पर से कंक्लूजन लिखा गया है ना, जहां पर से कंक्लूजन लिखा गया है या स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसको बाद में पढ़ना है। ओके, अब क्वेश्चन देखना है यहां पर से, ठीक है, यहां से अलग क्वेश्चन है, टू इंश्योर दैट एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर्स हैव डिफरेंट कलर्स। ये देखो यहां पर से ये अपना क्वेश्चन आ गया कि हमें ये इंश्योर करना है कि हर एक कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूट का मतलब क्या होता है, 1, 2, 3, 4, मतलब लगातार आने वाले, उनके पास डिफरेंट कलर्स हैं। तो इसमें, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर हमें अलग अलग जो कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर में अलग अलग डिफरेंट कलर चाहिए, इन तीनों स्टेटमेंट से कौन सा सही होगा, खुद देख के सोचो, खुद देख के सोचो और पता लगाओ कि इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए जहां पर कॉन्जिक्यूटिव। देखो पहला है रेड, दूसरा है येल्लो, तीसरा है ग्रीन, चौथा है ब्लैक, पांचवा है रेड, इनमें से कौन सा चेंज हो गया, इनमें से कौन, और हमें सिर्फ 4 कलर ही यूज़ करने हैं, अगर 5 कलर यूज़ करने पड़ते फिर तो सभी अलग होते ना, इसलिए। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हम ये स्टेटमेंट भी हमें इस तरह से ही फॉलो करना है, अपने मन से आप रख नहीं सकते, ठीक है। स्टेटमेंट वाले ने बताया है कि नीचे रेड है ऊपर रेड है, आप खुद नहीं कर सकते कि यार सेकंड में रेड रखो फोर्थ में भी रेड रखो, ऐसा नहीं, स्ट्रक्चर बन चुका है, इसी स्ट्रक्चर से पता लगाना है कि कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। अब देख लेते हैं, पहला ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशियंट, सेकेंड क्या है, सेकेंड एंड फोर्थ है पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स, सेकेंड और फोर्थ अलग अलग डिफरेंट कलर में पेंट होगा तो क्या वो सफिशियंट है, आगे पढ़ लेते हैं, हो भी सकता है, ठीक है। ओनली स्टेटमेंट 3 इज सफिशियंट, स्टेटमेंट 3 कौन सा है, यहां पर देखना, ध्यान से देखना, द फर्स्ट एंड फिफ्थ आर इन रेड कलर, ये भी देखिए रेड, ये रेड, ठीक है, ध्यान से सुनना अभी क्या है। और स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशियंट बट स्टेटमेंट 1 अलॉन्ग विद स्टेटमेंट 2 इज सफिशियंट, स्टेटमेंट 3 इज नॉट सफिशियंट बट स्टेटमेंट 3 अलॉन्ग विद स्टेटमेंट 2 इज सफिशियंट। अगर यहां पर सफिशियंट की बात करोगे तो आंसर बी वाला सही होगा, क्यों, देखिए ओनली स्टेटमेंट 3 सफिशियंट, देखो जब ऊपर रेड और नीचे रेड होगा तभी तो हमें अलग अलग, देखो तभी तो हमें
कॉन्जिक्यूटिव, जो रेड के बाद येल्लो आएगा, येल्लो के बाद ग्रीन आएगा, ब्लैक, फिर रेड आएगा। तो थर्ड वाला ओनली स्टेटमेंट, स्टेटमेंट थ्री सफिशिएंट। अब देखो इन क्वेश्चन को एक और माइंड में अपना डालना है। देखो सिर्फ हमें ये देखना है कि टू इंश्योर दैट, पूरे क्वेश्चन को नहीं देखना, ये देखना है कि कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर में अलग अलग कलर्स होने चाहिए, बस। देखो तो ये हमारा पूरा सफिशिएंट हो जाता है कि रेड और रेड, फर्स्ट और फिफ्थ में रेड होने से हमारे सभी जो है कंसेक्यूटिव एक तो अलग कलर के हो जाते हैं और टोटल चार कलर भी यूज हो जाते हैं। तो मैं कहूंगा सिर्फ तीसरे स्टेटमेंट सफिशिएंट है इस पूरे आंसर को समझने के लिए, ठीक है। हमें दो की भी जरूरत नहीं पड़ रही, सेकंड स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि सेकंड और फोर्थ में अलग अलग कलर है, तो जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं। ओके, हमें चाहिए नहीं। ओके, तो हम यहां पर आंसर क्या रखेंगे, फिर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, ठीक है, समझ में आया। तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन के स्ट्रक्चर करने की, सॉल्व करने के लिए पहला क्या है, स्ट्रक्चर बनाना है। दूसरा सिर्फ एक ऐसा स्टेटमेंट चुनना है जो सफिशिएंट हो, मतलब उसके बेसिस पर आंसर निकल पाए। सफिशिएंट कैसे चुनोगे, ये लास्ट वाली लाइन है जो, टू इंश्योर दैट एनी टू कंसेक्यूटिव फ्लोर्स हैव डिफरेंट कलर्स, तो ओनली स्टेटमेंट थ्री सफिशिएंट। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट इनफ है इस पूरे लाइन को समझाने के लिए, ठीक है, पूरे स्टेटमेंट को समझाने के लिए। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा ज्ञान लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा अपना माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इसमें भी देखना पड़ेगा, जैसे हमने यहां देखा था ना क्वेश्चन, ये देखो, इसका बेस्ट ट्रिक यही है, पहले स्ट्रक्चर बना लो, उसको प्रूव कर लो, फिर ये क्वेश्चन पे आओ। तो यहाँ पर भी देखते हैं क्या है, कंसिडर टू स्टेटमेंट एस वन एंड एस टू फॉलोड बाई ए क्वेश्चन, जहाँ P और Q दोनों ही प्राइम नंबर हैं। स्टेटमेंट वन कह रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट कह रहा है P और Q प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं लिख लो, पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये प्राइम नंबर हो गए, ये होते हैं प्राइम नंबर्स, जो खुद से और वन से डिविजेबल हो वह प्राइम नंबर्स होते हैं। तो P और Q प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, पहला स्टेटमेंट हो गया P और Q प्राइम नंबर्स हैं। दूसरा बोल रहा है P और Q ऑड इंटीजर हैं, P और Q ऑड इंटीजर हैं, P और Q, P प्लस Q, P प्लस Q अगर मिलता है तो वो ऑड बनाता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट मैंने देखा, मैंने ये बोला कि आपको ध्यान किस में देना है, क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देना है। वो 2019 में आया था, तो ये 2018 में आया होगा। तो क्वेश्चन क्या है, इज पी क्यू एन ऑड इंटीजर। देखो क्वेश्चन वाला सिर्फ ये पूछ रहा है कि क्या पी क्यू ऑड इंटीजर होगा, क्या पी क्यू ऑड इंटीजर होगा। इस लाइन को प्रूफ करने के लिए हमें स्टेटमेंट वन की जरूरत पड़ रही है या टू की, या दोनों की ही जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। मैं कहूँगा, देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है, बहुत सिंपल है। या तो स्टेटमेंट वन की जरूरत होगी, आप ये देखो चार ऑप्शन देखो, स्टेटमेंट वन सफिशिएंट हो सकता है, स्टेटमेंट टू सफिशिएंट हो सकता है, या दोनों लेने पड़ेंगे, या किसी की भी जरूरत नहीं है। मैं कहूँगा सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ, दूसरा क्वेश्चन पे जाओ, स्टेप बता रहा हूँ, पहला स्ट्रक्चर बनाओ, कॉन्सेप्ट है इसके पीछे भी, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, तीसरा देखो कि एक ही स्टेटमेंट से क्या हम कंक्लूजन में आ पा रहे हैं या नहीं, फिर तब जाओ दूसरे स्टेटमेंट में, ठीक है। मैं यहां पर देखूंगा पी एंड क्यू आर प्राइम इंटीजर, पी और क्यू प्राइम इंटीजर है, तो वो कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो एक टू है सपोज, एक थ्री है, इससे क्या पता चलेगा, ठीक है, एक थ्री है एक फाइव है, चलो मैं अगर इनटू करता हूँ, 2, 3 जा 6, 5, 3 जा 15, देखो एक ऑड आ रहा है एक इवन आ रहा है, इससे तो पता ही नहीं चला ना मुझे, पी एंड क्यू बोथ आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, इससे पता नहीं चल रहा है क्योंकि एक ऑड आ रहा है एक इवन आ रहा है। सपोज यहाँ पर चलो पी प्लस क्यू एक ऑड इंटीजर है, मैं कहता हूँ पी, मान लेता हूँ देखो पी प्लस क्यू, एक एग्जाम्पल मानूंगा 2, 2 प्लस 3,
ऑड आ रहा है, ठीक है भाई साहब, ऑड आ रहा है, ठीक है, प्लस करके। अब क्वेश्चन क्या है, पी इंटू क्यू, इसी को इंटू कर लेता हूँ, सिक्स आया, इवन आ गया, ये तो ऑड है ही नहीं, ऑड है ही नहीं, ठीक है। दूसरा चेक करता हूँ, सपोज पी पी मान लेता हूँ, ठीक है, सपोज हम पी मानते हैं आपके टू को और क्यू मानते हैं फाइव को, ऐड करूँगा सात आ रहा है, ऑड इंटीजर ठीक है, और इनटू कर रहा हूँ तो टेन आ रहा है, ये देखो। अब यहाँ पर एक और ले लेता हूँ, टू प्लस इलेवन, चलो टू प्लस इलेवन ही ले लिया, ऐड करके थर्टीन आया, टू इंटू इलेवन करेंगे ट्वेंटी टू, ओके। तो मैं कहूँगा इस पी क्यू एन ऑड इंटीजर, तो मैं यहाँ पर नो कह दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या कह दे रहा हूँ, नो कह दे रहा हूँ, और पता भी चल जा रहा है आपको, कोई भी एग्जांपल ले लो आपके ऑड इवन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, स्टेटमेंट टू मेरे लिए सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को निकालने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमारा स्टेटमेंट टू सफिशिएंट है, तो एस टू एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बस। तो स्टेप पता चल गया मित्रों, बहुत सिंपल है, सबसे पहले बनाओ स्ट्रक्चर, वैल्यू पुट करके देखो, वैल्यू पुट नहीं होती है तो मैप्स इमेजेस वो बना के देखो, दूसरा स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर आओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कौन सा वाला जो छोटा दिया जाता है, इस पी क्यू एन ऑड इंटीजर, उस पर ध्यान रखो, ऑड इंटीजर प्रूफ करना है, मतलब है या नहीं प्रूफ करना है, और तीसरा उसी के बिहाफ में स्टेटमेंट वन को चेक करो पहले, फिर स्टेटमेंट टू को चेक करो, इन दोनों में से जो एब्सोल्यूट आ जाता है कि जिसकी वजह से पूरा आंसर हमारा निकल जा रहा है, आंसर हमारा निकल जा रहा है, वही चीज़ हमें करनी है, वही चीज़ हमें क्या करनी है, आंसर करनी है, ओके। तो आई थिंक ये आपका पूरा क्वेश्चन भी कर चुके होंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल है, इसमें भी स्टेटमेंट वन दिया गया है, स्टेटमेंट टू दिया गया है, और आंसर करना है हमें दो क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है, इसमें स्टेटमेंट वन पढ़ो, स्टेटमेंट टू पढ़ो, और यहाँ पर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं दिया गया है, यहाँ पर डायरेक्ट बोला गया है कि इन चार में से ऑप्शन चूज़ कर लो बस, ठीक है। एक ये डायरेक्शन दिया है, इसके बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन है, और सेम डायरेक्शन दिया है, उसके बेसिस पे हमारा ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें से पाँच मार्क्स हमारे कवर हो जाएंगे अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हैं तो। अब देखो बहुत सिंपल है, ये वाले क्वेश्चन मैंने कहा हैबिचुअल होते हैं, आप इनकी हैबिट बना लेंगे तो आगे अगर 2021 के प्रीलिम्स में ये सपोज आते हैं या 2022 के प्रीलिम्स में ये आते हैं तो आप इसको ईजिली क्रैक कर पाओगे, ओके। नाउ क्वेश्चन क्या है, ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन, ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज लेस देन द वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ रोहन, बहुत सिंपल है, ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज लेस दैट ऑफ मोहन और रोहन। पर अभी इस स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट से ये तो पता लग गया कि सोहन का वेट कम है, पर मोहन और रोहन को यहाँ पर बताया नहीं गया है, सिर्फ पहले स्टेटमेंट से क्या पता चलता है, देखो। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, अभी मैंने बताया इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इनिशियल में क्या करना है, देखो इस टाइप के लिए क्वेश्चन के लिए करना है, पहला स्ट्रक्चर बना लेना है, स्टेटमेंट स्टेटमेंट टू को, स्टेटमेंट वन को अच्छे से पढ़ना है, स्टेटमेंट टू का स्ट्रक्चर अच्छे से बना लेना है, दूसरा क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन करेक्ट है या इनकरेक्ट पूछ रहा है ये चेक करना है, इनकरेक्ट है या करेक्ट है ये चेक करना है, और थर्ड पहले ये देखना है कि स्टेटमेंट वन से ही क्या आंसर निकल जाता है या स्टेटमेंट टू से ही, फिर दोनों को चेक करके देख लेना है दोनों से क्या आंसर निकलेगा या नहीं। तो सिमिलर प्रोसेस हम इस क्वेश्चन में भी लगाएंगे। तो स्टेटमेंट वन समझ में आ गया, अब स्टेटमेंट टू देखो, ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन, ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटर देन वेट ऑफ मोहन और सोहन, वेट ऑफ मोहन और सोहन, ठीक है, यहां पर ये पता चल गया। अब ऐसे क्वेश्चन में अब आपको दो स्टेटमेंट जब आप बना लेते हो तब डायरेक्ट जाओ आंसर में, आंसर क्या कहता है, आंसर कहता है इनमें से कौन सा सही है, पहला वेट ऑफ मोहन इज ग्रेटेस्ट, ये देखो मोहन का क्या वेट ग्रेटेस्ट है, ना यहाँ से पता चल रहा है, ना फर्स्ट से पता चल रहा है, ना सेकंड से पता चल रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत है।
वेट ऑफ सोहन इज ग्रेटेस्ट, सोहन का ग्रेटेस्ट कैसे हो सकता है, पहले स्टेटमेंट तो सबसे लोएस्ट है ये, मोहन से ही कम है तो सिंपल सी बात है, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत। वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटेस्ट, सेकंड के हिसाब से रोहन का वेट एम और एस से तो ज़्यादा है, एम और एस से तो ज़्यादा है, बट पहले स्टेटमेंट के बेसिस पे कौन ज़्यादा है ये फिक्स पता नहीं है, तो वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटेस्ट ये पता भी नहीं लग सकता। रोहन का जरूरी थोड़ी ना है ना रोहन का वेट ज़्यादा है, रोहन का वेट ज़्यादा है ये पता नहीं चल रहा, क्योंकि पहले स्टेटमेंट के बेसिस पर मोहन का भी तो ज़्यादा हो सकता है रोहन से, पहले स्टेटमेंट तो नहीं बताया ना, पहले स्टेटमेंट में सिर्फ सोहन का बताया है। ओके, और डी वाला ऑप्शन हुज वेट इज ग्रेटेस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो यहाँ पर मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि किसका वेट ज़्यादा है ये फिक्स पता नहीं चल रहा, तो मैं क्या कहूँगा आंसर हो जाएगा डी, है ना, आंसर हो जाएगा डी, वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटेस्ट, सेकंड स्टेटमेंट तो सही है बट फर्स्ट के बेसिस पे तो पता नहीं है ना, वेट ऑफ ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटर देन वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ सोहन, तो यहाँ पर पहले का आंसर क्या हो जाएगा डी, कि वेट किसका ज़्यादा है पता नहीं चल पा रहा, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है, पता नहीं चल रहा तो आंसर डी कर दोगे। और ऐसे स्टेटमेंट में एक बार डी वाला ऑप्शन भी अच्छे से चेक कर लिया करो, जब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, ऐसे स्टेटमेंट जब आते हैं तो अच्छे से आप चेक करना है इसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर इसी चीज का आएगा, स्ट्रक्चर इसी चीज का आएगा। यहां पर क्या है देखो क्वेश्चन, वेट ऑफ मोहन इज लीस्ट, वेट ऑफ मोहन इज लीस्ट, मोहन का वेट कैसे लीस्ट हो सकता है, पहला तो गलत हो गया, मोहन का वेट तो ज्यादा है ना पहले उससे, वेट ऑफ सोहन इज लीस्ट, यस ये हो सकता है, देखो ऐसे कैसे बी वाला, यहां पर भी सोहन का वेट पहले स्टेटमेंट के बेसिस पर कमी है एम और आर से, यहां पर भी आर ज्यादा है एम और एस से, तो मैं कहूंगा मैं दूसरे स्टेटमेंट देखूंगा ही नहीं जब मुझे अपना आंसर मिल चुका है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा बी, चाहे पहले स्टेटमेंट में देखो या दूसरे स्टेटमेंट में देखो, सोहन जो है छोटा ही है, चाहे दोनों स्टेटमेंट में हमने चेक कर लिया। वेट ऑफ रोहन इज लिस्ट ये गलत हो जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट टू में रोहन का बड़ा है वेट, हुज वेट इज लिस्ट इस पर से डिटरमाइन नहीं, पर वेट ऑफ सोहन इज लिस्ट यहाँ पर हम कह सकते हैं। ओके, यहाँ पर वेट ऑफ सोहन इज लिस्ट यहाँ पर कहा जा सकता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये देखिए सोहन का वेट और यहाँ पर सोहन का वेट, ओके तो ये हमने देख लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है, क्वेश्चन करने का तरीका वही है, पहले स्ट्रक्चर, दोनों स्टेटमेंट को ड्रॉ करो, क्वेश्चन देखो और आंसर तक पहुँचो, क्वेश्चन देखो और आंसर तक पहुँचो, राइट। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस टाइप के जो क्वेश्चन को प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है, कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो आपको, आपने इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तभी आप 2021 या 2022 जब भी आपका प्रीलिम्स होगा सीसेट में तब आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए एक अलग से कैटेगरी नहीं बनी रहती है कि हाँ इस कैटेगरी के क्वेश्चन हम कहीं नेट से ढूंढ लेंगे, ऐसे क्वेश्चन जस्ट आ जाते हैं यूपीएससी में। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और सभी के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है, आप सबको पता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो एक एक लाइन अगर आप पढ़ोगे तो स्ट्रक्चर भी जान जाओगे और इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। देखो एक है लक्ष्मी, उसका है भाई, उसकी है डॉटर, उसका है बेटा, ये सब बैडमिंटन प्लेयर हैं, बहुत सिंपल सी बात है। लक्ष्मी को एल से डिनोट कर देता हूँ, लक्ष्मी के ब्रदर को बी से डिनोट कर देता हूँ ब्रदर, डॉटर को डी से और सन को इससे, और ये लक्ष्मी के ब्रदर है, लक्ष्मी की डॉटर है और लक्ष्मी का सन है, एल बी डी एस से। एक गेम ऑफ डबल्स, डबल्स हुआ, कभी भी बैडमिंटन आपने खेला होगा तो उस चीज़ को ड्रॉ कर लो आप लोग, आपने ये ड्रॉ कर लिया, बीच में लगा दी नेट और यहाँ पर आपका एक पार्टनर, दूसरा आपका यहाँ पर, एक यहाँ पर खड़ा रहेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और यहाँ पर, बस आपने तो स्टार्टिंग की ये चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए वही है, सिमिलर चीज है, स्ट्रक्चर बनाओ और एक एक स्टेटमेंट पढ़ो और आंसर तक पहुंचो, बस यही है, ठीक है, यूपीएससी में यही रहता है, अपने आंसर तक
पहुंचो। पहला है देखो, लक्ष्मी ब्रदर, लक्ष्मीज ब्रदर मतलब लक्ष्मी का भाई इज डायरेक्टली अक्रॉस द नेट फ्रॉम हर डॉटर। बहुत सिंपल है, लक्ष्मी का समझ मान के चलो, ब्रदर को यहां रख लेता हूं, लक्ष्मी का ब्रदर डायरेक्टली अक्रॉस, डायरेक्टली सामने है लक्ष्मी के डॉटर से। देखो दो पोजीशन हमें यूं ही पता चल गई पहले ही स्टेटमेंट से। तो बहुत सारे बच्चे यही करते हैं यार, यूपीएससी सीसेट में ऐसे क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं, वो कहते हैं ये मुझे क्या ही आएगा। एक बार उसको ट्राई करोगे तो 2.5 मार्क्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट है बहुत इजी, अगर किसी ने नहीं पढ़ाया तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें इजी तरह से, कि इस टाइप के क्वेश्चन जैसे मैंने बोला कहीं पर कैटेगरी वाइज नहीं मिलेंगे कि हाँ ये हैं रीजनिंग के क्वेश्चन और हैबिचुअल टाइप, हैबिचुअल कैटेगरी के हैं ये क्वेश्चन, कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, राइट। लक्ष्मी ब्रदर डायरेक्टली अक्रॉस द नेट फ्रॉम हर डॉटर, यहाँ लक्ष्मी का ब्रदर बना दिया, यहाँ पर डॉटर, दो की पोजिशन आपने बना दी, देखो कितना सिंपल है। सेकेंड देखो, हर हर सन, लक्ष्मी का सन इज डायगोनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग। देखो उसका सन डायगोनली अक्रॉस है वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग्स, वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग्स, वर्स्ट प्लेयर का सिबलिंग। अब सिबलिंग यहां पर दो लोग हैं, एक लक्ष्मी हो सकती है, एक लक्ष्मी का भाई हो सकता है, और लक्ष्मी की जो डॉटर है और जो सन है वो भी तो सिबलिंग हो सकते हैं, बट हम यहाँ पर डॉटर बना चुके हैं, डॉटर बना चुके हैं, तो लक्ष्मी का सन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। और डायरेक्टली ये किसके अक्रॉस है, डायरेक्टली किसके अक्रॉस है, वर्स्ट प्लेयर के, तो मैं कहूँगा इसका भाई क्या है, वर्स्ट प्लेयर है, इसका क्या है, वर्स्ट प्लेयर है। दो लाइन हो गई कंप्लीट, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं आई, है ना। डायगोनली का मतलब ये है, तो सन यहाँ पर है। तीसरा पॉइंट पढ़ो, देखो ये तीसरा है, द बेस्ट प्लेयर एंड द वर्स्ट प्लेयर आर ऑन द सेम साइड, वही है, बेस्ट प्लेयर ब्रदर है तो बेस्ट, वर्स्ट प्लेयर ब्रदर है तो जो बेस्ट प्लेयर है वो लक्ष्मी होगी, तो ये बना दिया मैंने। बस ये देखो सिंपल सा स्टेटमेंट, मैंने तीन स्टेटमेंट पढ़े उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर आपका ड्रॉ किया। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हम क्वेश्चन पर आ जाएंगे, हु इज द बेस्ट प्लेयर, आंसर हो जाएगा डी, लक्ष्मी इज द बेस्ट प्लेयर, लक्ष्मी इज द बेस्ट प्लेयर, तो आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं थी आपको कि किस तरह से ये करना है, तो बहुत बच्चे यही होता है कि यार इतना बड़ा माइंड में ही बना लेते हैं, फोबिया टाइप का बना लेते हैं कि हाँ मुझसे ये क्वेश्चन ऐसा सॉल्व नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमको अभी नहीं करने हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमको छोड़ने नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक है, राइट। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे हम, बट उससे पहले आज का जो हैबिचुअल वाला पार्ट था हम यहीं पर एंड करेंगे, उससे पहले और उसके बाद हम नेक्स्ट हैबिचुअल के कुछ सीरीज और बची है हमारे पास, आगे ये करेंगे। चलिए इसको इसी पार्ट में करते हैं, आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनको दूसरे पार्ट में करेंगे, ठीक है। चलिए अभी ये इसी पार्ट में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पर बी है, ठीक है, यहाँ पर ए एंड बी, ठीक है, यहाँ पर बी है, ये यहाँ पर इससे ढका हुआ है ये, ओके। क्वेश्चन देखिए, इसके बाद हम एंड करेंगे इसको। क्वेश्चन है, किसी एक स्कूल में 5 टीचर हैं, ए बी सी डी और ई, ए और बी जो है हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं, ए और बी जो है हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब पता नहीं है हिंदी कौन पढ़ाता है, इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हमने लिख दिया बस, ठीक है, कोई तो पढ़ाता है। सी और बी इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, सी और बी इंग्लिश, इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, डी और ए मैथमेटिक्स और हिंदी, डी और ए मैथमेटिक्स और हिंदी, बस एक एक स्टेटमेंट पढ़ने हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स और हिंदी पढ़ाते हैं। ई और बी हिस्ट्री और फ्रेंच पढ़ाते हैं, ई और बी हिस्ट्री और फ्रेंच पढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन का भी सिमिलर कॉन्सेप्ट था, क्या था, पहला स्ट्रक्चर,
हर एक लाइन को पढ़ो, हर एक स्टेटमेंट को या हर एक लाइन वाइज को पढ़ो और स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और आंसर तक पहुंचो। ऐसा नहीं कि यार रैंडम पूरा ही एक साथ क्वेश्चन पढ़ लेना है, बहुत सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसा ही करो। अब ये बोल रहा है हु टीचेज मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट। सबसे पहले देख लो कौन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। मैं ये कहूँगा जो सबसे बड़ा बार रिपीट होता है, ऐसे क्वेश्चन में जो सबसे बार ज़्यादा बार रिपीट होता है वही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सब्जेक्ट पढ़ाता है। ए और बी में यहाँ देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बी यहाँ पर इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, यहाँ पर भी इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट बी का तो पता चल गया इंग्लिश। यहाँ पर भी देखो बी यहाँ पर भी आया है, तो यहाँ पर या तो वो हिस्ट्री पढ़ाएगा या फ्रेंच पढ़ाएगा, तो मैं कहूँगा एक इंग्लिश तो है ही, तो बी हमेशा हमारे दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा, बी वाला जो बंदा है या बी वाला जो टीचर है, दो सब्जेक्ट। बाकी कोई दो लोग हैं ही नहीं, एक सी आया है, एक डी आया है, एक ई आया है। ये देखो ये भी एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, डी वाला भी एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ई वाला भी एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा। मैं कहूँगा बिना कॉमन लिए भी आप समझ सकते हो ऐसे क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चनों में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ रहता है। जैसे मैं कहूँगा एक इतनी बार रिपीट हुआ है, दो बार, तो ये तो दो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें कैसे बताया मैंने, देखो इस वाले और इस वाले में हिंदी कॉमन है, तो ए वाला सिर्फ हिंदी पढ़ा सकता है बस, ए वाला। चलो मैं पूरा आंसर भी बता देता हूँ, ए वाला हिंदी पढ़ाएगा, डी वाला जो बचा वो मैथमेटिक्स, बस कॉमन लेने की ज़रूरत है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं बता देता हूँ कॉमन लेके। जैसे मैं कहूँगा ऐसा भी क्वेश्चन आता है, 1 2 3 राम इज श्याम, राम इज श्याम, 2 3 5 2 4 चलो 2 3 5 ही हो गया, 2 3 5 मैं कहूँगा राम इज, राम वॉज ब्लैक। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या चीज़ है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी राम आ रहा है, यहाँ पर भी राम आ रहा है, तो मैं कहूँगा 2 के बदले आप क्या लिख सकते हो, राम लिख सकते हो। तो इस लाइन में इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो सॉल्व करने पड़ते हैं, समझ में आ गया। जो दो लाइन में ऐसे चीज़ें सिमिलैरिटी होंगी उसको आप लिख दोगे, तो 2 का मतलब है राम, ओके। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, पहला इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा नंबर पर आया, बी 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 देखने को मिला 3 बार आया, ए 2 ही बार आया, सी और डी तो एक एक बार ही आए, तो सबसे ज़्यादा जो पढ़ाएगा वो बी पढ़ाएगा, और पूछा जाए कितने पढ़ाएगा तो आप कहोगे 2 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। सबसे हाइस्ट कितने सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, 2 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, ठीक है। बाकी चलिए आज की इस वीडियो को इसी में ख़त्म करते हैं, ये 5वीं वीडियो है, फिर 6th वीडियो हम आगे करेंगे। बाकी कंप्लीट इसी तरह से कंप्लीट UPSC CSET का क्रैश कोर्स लेने के लिए आप कर सकते हैं 7505134891 इस नंबर पर गूगल पे या फोन पे, और जितने भी पेमेंट आप करोगे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इंस्टा मोजो के लिंक से भी आप कर सकते हैं, और आपको मिल जाएगा कंप्लीट मटेरियल वीडियो और ऑडियो के फॉर्मेट में। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। बाकी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में, आपको बिना स्पेस दिए टेलीग्राम में PR पब्लिकेशन सर्च करना है। आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन PR पब्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के लिए रिगार्डिंग एनी एग्जाम पंकज बोरा 534 इंस्टाग्राम की ID है, मैसेज भेज के अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। आपको आगे आने वाली जो NCERT MCQ टेस्ट सीरीज है 6th to 12th हर एक सब्जेक्ट की, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स साइंस एंड टेक प्लस प्रीवियस ईयर 15 साल के जो क्वेश्चन हैं वो 499 रुपीज़ में लाइफ टाइम एक्सेस दे दिया जाएगा। PDF के फॉर्मेट में होगी, आपको करना बहुत सिंपल है, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं या सिंपल इस नंबर पर 7505134891 पर गूगल पे फोन पे करेंगे, और जो भी पेमेंट होगी उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको वो PDF सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।